जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दैन भाई में। उम्मीद है बहुत बेहतर अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मौसम भी करवट ले चुका है और ठंड आ चुकी है दोस्तों। तो इस ठंड में बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगनी है, ठीक, और बहुत अच्छे तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, स्टडी करनी है, रेगुलर तरीके से करनी है। देखो, मैं स्टूडेंट लाइफ की छोटी सी बात आपको बताता हूँ, आपने क्या गवाया इस बात पर फोकस ना करें। मैं फिर आपसे यही बात कहूंगा, आपने कितना समय बर्बाद कर दिया इसके ऊपर फोकस ना करें। आगे कितना समय बचा हुआ है और क्या आपकी स्ट्रेटजी रहेगी अपने एग्जाम को क्वालिफाई और बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने की, दोस्तों उस पर ज्यादा फोकस करें, ठीक। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एक छोटे से मोटिवेशन के साथ कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उनको मिल जाती है जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो दोस्तों, अपनी जिद पर अड़े रहना कि हाँ मुझे तो आज ये याद करके सोना ही सोना है या सुबह उठकर मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, वो ही आपके जिद आपको सफलता तक लेकर के जाएगी, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर मैं बात करूं दोस्तों तो लेक्चर नंबर 131 मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष यानी कि ह्यूमन आई आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और आंख से संबंधित जितने भी दोष या डिफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर दे सुंदर से चित्र के साथ, और डायग्राम आपको दिखाई दे पा रहा होगा, लिखा हुआ है मानव नेत्र का नामांकित चित्र दोस्तों, और ये डायग्राम हमारी आंख के अंदर का है। देखो, अगर हम बाहर से देखें तो हमको केवल ये लेंस दिखाई देता है सफेद और काले रंग का, लेकिन अगर इसको हम अंदर डीप देखेंगे तो इस तरीके की सिचुएशन आपको दिखाई देगी। जैसे सबसे आगे अगर हम बात करें, एक गोला सा बना हुआ है, उसके बाद पुतली बनी हुई है, क्रिस्टलीय लेंस लगा हुआ है ना, स्वच्छ मंडल लगा रहता है, उसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम काचाव द्रव बोलते हैं, ठीक है। आप अंदर की जो लेयर होती है उसको दृष्टि पटल बोलते हैं, बाहर की जो लेयर होती है ना उसको कॉर्निया बोला जाता है, और आखिर में काचाव द्रव के एंड में मांसपेशिया से जुड़ा हुआ एक द्रव तंत्रिका होता है ना। इन सबको आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखेंगे दोस्तों, जैसा कि आपको ये डायग्राम दिखाई दे पा रहा होगा, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र एक प्रकाशी केंद्र है। प्रकाशी केंद्र क्यों बोला जा रहा है, देखो जैसे एक फोटोग्राफर अपने कैमरे से फोटो खींचता है उसके बाद सेव हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही हमारी आंखें कैमरे का काम करती हैं, फोटो खींचती है, खींचने के बाद माइंड तक जाती है, और माइंड उस वस्तु का नाम तब बताता है कि ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये काम इतनी स्पीड से होता है, बहुत ही स्पीड से, ठीक। देखें यार, मानव नेत्र एक प्रकाशी केंद्र है जो लगभग एक कैमरे की भांति कार्य करता है, जो हमें चारों ओर के रंग, बिखरे रंग संसार को देखने योग्य बनाता है, जिन्हें इसकी वजह से हम रंगों को देख पाते हैं, जिसकी आंख का लेंस या आंख खराब हो जाती है वो चीजों को नहीं दृश्य कर पाता, ठीक है। अब ये डायग्राम आपको सुंदर सा डायग्राम दिखाई दे पा रहा होगा, इसकी एक एक बात को हम पढ़ेंगे। देखो जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाई दे पा रहा होगा, ये तीन लेयर बनी हुई है ह्यूमन आई के सराउंडिंग में। अगर मैं बात करूं यहां से आगे तो देखना जरा कितनी लेयर बनी हुई है, तीन लेयर बनी हुई है अलग अलग, ठीक है भैया। एक अंदर की लेयर होती है और एक सबसे बाहर की लेयर होती है, इतनी बात समझ में आ पा रही है, इसके बीच में ऊपर लेंस होता है और ये सबसे बाहर की लेयर होती है, क्लियर बात समझ में आ रही। सबसे बाहर की जो लेयर है उसको दृढ़ पटल बोलते हैं, ये दिखाई दे पा रहा होगा आपको, क्लियर है। बीच वाली जो उसको कोरोइड बोलते हैं, क्लियर बात समझ में आ रही है, और सबसे अंदर वाली को सेंटर को रेटिना बोला जाता है, ठीक है, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही है बात। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां से सबसे पहले दृढ़ पटल, तो मानव नेत्र का लगभग एक गोले के समान होता है, इसकी बाहरी परत अपारदर्शी श्वेत तथा दृढ़ होती है, इसे दृढ़ पटल कहते हैं, इसके द्वारा नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा की जाती है। दूसरा आ जाता है रक्तक पटल, तो दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी झिल्ली होती है, इसको क्या बोलते हैं, रक्तक पटल बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे, अंदर की जो एरिया होता है। कॉर्निया क्या होता है, नेत्र गोलक के पृष्ठ का पारदर्शी अपार उभार एक पारदर्शी झिल्ली से घिराव रहता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रवेश होने वाली सर्वप्रथम कॉर्निया से होकर के गुजरती है, यानी ये वाला जो बाहर वाला पोर्शन सबसे बाहर का, इसको हम कॉर्निया बोलते हैं, डायग्राम में भी आपको दिखाई दे पा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद आयरिस आ जाता है या परिनलिका आ जाता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आयरिस कहते हैं।
उसके बाद पतली अथवा पुतली अथवा नेत्रधारा। आयरिस के ठीक, आयरिस क्या होती है, देखो ये जो पॉइंट बने हुए ना इसको आयरिस बोलते हैं, और आयरिस के बीच में जाकर के नेत्र लेंस रखा हुआ होता है जिसे पुतली या नेत्र धारा कहते हैं। कॉर्निया से आया हुआ प्रकाश पुतली में से होकर नेत्र लेंस पर पड़ता है, और नेत्र लेंस क्या होता है, आयरिस के ठीक पीछे एक पारदर्शी उत्तल प्रकृति का बना द्वि-उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस हम कहते हैं। दो तरीके के लिक्विड इसके अंदर भरे होते हैं, कांचा द्रव और जलीय द्रव। ठीक है, तो जलीय द्रव की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कॉर्निया देखो जलीय द्रव होता है आगे और कांचा द्रव होता है अंदर, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो जलीय द्रव कॉर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच के स्थान में जल के समान पारदर्शी द्रव बना रहता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.336 होती है। इसको मैं बता देता हूं, यहां पर ये वाला होता है जलीय द्रव और ये वाला होता है कांचा द्रव। क्लियर है इतनी बात। आगे की बात को देखते हैं दोस्तों, रेटिना रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे भीतर की ओर पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं, इसे दृष्टि पटल भी कहा जाता है। इसके बराबर में एक पॉइंट होता है पीत बिंदु जिसको हम बोलते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक पतला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। एक पीत बिंदु होता है जिसके ऊपर इमेज बनती है उल्टी, तब जाके हमको सीधी दिखाई देती है, और एक होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर प्रकाश राय मस्तिष्क को जाती है उस स्थान पर प्रकाश सुग्राहिता शून्य हो जाती है जिसे अंध बिंदु कहा जाता है। अब बात करते हैं रेटिना का नेत्र जो है ये काम करती कैसे है। मैंने आपको बताया वस्तु से किरणें चलेंगी जाकर के कॉर्निया से होती हुई लेंस से होती हुई सीधे जाकर रेटिना पर मिलेंगी, और याद रखना जो पीत बिंदु है वो रेटिना के बिल्कुल बीच में होता है। यहां पर वस्तु का जो इमेज होता है वो उल्टा बनता है, उल्टा बनेगा तो वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा तभी हमको सीधा दिखाई देगा। ठीक, चलिए देखते हैं जरा, हमारी पलके कैमरे की शटर की तरह काम करती है, बिल्कुल ऊपर नीचे होता है शटर जैसे, है ना। जब पलके खुली होती है तब हमारे सामने वस्तु रखने से चलने वाली किरणें कॉर्निया पर आपतित होती है, यहां से किरणें अपवर्तित होकर क्रमशः जलीय द्रव और कांचा द्रव में होती हुई रेटिना पर पड़ती है। सबसे पहले कॉर्निया, फिर जलीय द्रव, फिर लेंस, फिर कांचा द्रव को पार करते हुए पीत बिंदु में जाकर के मिलती है, रेटिना पर पड़ती है। रेटिना पर वस्तु का उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की सूचना प्रकाशित तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक जाती है। यहां से ये कटी रहती है, देखो तुम्हारा डायग्राम दिख रहा होगा, मस्तिष्क तक जाती है, मस्तिष्क अनुभव के आधार पर उनका ज्ञान सीधे रूप से प्राप्त कर लेता है। क्लियर है। इसके बाद आंख के अंदर एक खुद की पावर होती है जिसको समंजन क्षमता बोलते हैं। दूर की वस्तु और पास की वस्तु देखने के लिए हमको लेंस की फोकस दूरी बार बार चेंज नहीं करनी पड़ती है दोस्तों, ये लेंस अपने आप स्वेच्छा से कर लेता है। नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता को ही आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। क्लियर है इतनी बात। चलिए इससे आगे की बात को देखते हैं जरा। नेक्स्ट बात अगर मैं करूं यहां से आगे, अब पढ़ते हैं जरा, देखो थोड़ा सा सिलेबस को स्पीड से लेकर के चलेंगे जिससे चीजें जल्दी कंप्लीट हो जाए, और यहां से कभी क्वेश्चन बनते हैं तो इन चैप्टर को मैं एक वीडियो में ही खत्म कर दूंगा, जो लेंथी चैप्टर होगा उसको एक्सप्लेन करके पूरा पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए अब अगला देखते थे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। देखो याद रखना, जब हम किसी वस्तु को पढ़ते हैं अपनी आंखों से तो नॉर्मल पढ़ते, और पढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से आगे वो चीज ब्लर होने लगती है। तो हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी एक फिक्स दूरी है जहां हम किताब पर लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। जैसे अगर बात करूं वह दूरी जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, डी इसको बोलते हैं। अब दृष्टि दोष क्या हो जाता है, देखो कुछ व्यक्तियों में निकट का दोष होता है और कुछ व्यक्तियों में दूर का होता है, यानी कुछ पास की वस्तु नहीं देख पाते, कुछ दूर की वस्तु नहीं देख पाते, जिनकी एज ज्यादा हो जाती है वो दोनों ही नहीं देख पाते। तो जिसको जैसी बीमारी होती है उसको वैसे ही चश्मे के अंदर लेंस का यूज करा दिया जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं दृष्टि दोष की, अगर मैं बात करूं जब आंख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाए तो मनुष्य को पास या दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देने लगती हैं, इसे ही दृष्टि दोष कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं नॉर्मली, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। सबसे पहले बात करते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा होगा बिल्कुल कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कि इस दोष में पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं जबकि दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। याद रखना अगर निकट दृष्टि दोष है तो यानी उल्टा होगा, निकट दृष्टि दोष तो निकट की दिखाई देगी दूर की नहीं दिखाई देगी। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए बिंदु अनंत पर ना होकर पास आ जाता है,
यानी दूर से अगर वस्तु किरण चल रही है तो रेटिना पर ना काट करके जैसे रेटिना से पहले काट रही है, जहां पर काटेगी दोनों रेखा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। भाई इन दोनों रेखाओं को काटना कहा है, रेटिना के ऊपर, लेकिन ये काट रही है पहले, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, पीत बिंदु से पहले ही बन रहा है, जिस कारण वस्तु का प्रतिबिंब हम नहीं देख पा रहे। कारण क्या क्या हो जाते हैं इसके, मुख्य दो कारण, नेत्र लेंस के प्रश्नों की वक्रता बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है, दूसरा नेत्र के गोलों का व्यास बढ़ जाता है अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसके दोष को निवारण करने के लिए क्या करना है, जो किरणें दूर से आ रही है, भाई वस्तु तो दूरी नहीं है, ऐसा थोड़ी वस्तु को पास ले आओगे, लेकिन हम एक काम कर लेते हैं इसमें अवतल लेंस लगा देते हैं। अवतल लेंस क्या काम करेगा, देखो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, अवतल लेंस क्या काम करेगा है ना, ये निकटदर्शी दोष का निवारण डायग्राम में दिखाई दे रहा है, वो अवतल लेंस जो दूर से आने वाली किरण है उनको पास से दिखा देगा, और पास से आने वाली किरणें तो पीत बिंदु पी पर काटेगी जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पी पर बनेगा। निकटदर्शी दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है जिससे प्रकाश की समांतर किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती है, ये आपका निकटदर्शी दोष हो जाता है। याद रखना निकटदर्शी दोष तो निकट का देखेगा, दूर का नहीं देखेगा। दूसरा पॉइंट आ जाता है दूरदर्शी दोष आपके सामने, ये उल्टा हो जाएगा, दूर का तो दिखाई देगा पास का दिखाई नहीं देगा, यानी दूरदर्शी दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष में 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है ना, क्योंकि पास का तो दिखेगा नहीं। इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पुस्तक अखबार स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए पुस्तक अखबार को 25 सेंटीमीटर से दूर देखते हैं, कुछ लोग दूर करके देखते हैं वस्तु को है ना। कारण क्या क्या हो जाते हैं दोस्तों, देखो इसमें कहां पर बन रहा है पीत बिंदु बाहर चला गया, जो काट रही है रेखा है वो बाहर काट रही है, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाती है जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है, और गोलक का व्यास कम हो जाता है जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। निवारण करने के लिए हम क्या लगाते हैं, इसमें उत्तल लेंस लगाते हैं और उत्तल लेंस दूर से आने वाली किरणों पास से आने वाली किरणों को दूर से दिखा देता है। इतनी बात समझ में आ जाती है दोस्तों, क्लियर है इतनी बात, चलिए इसके बाद एक दो पॉइंट और हो जाते हैं, जरा दूरदर्शिता और अवलोकनता क्या होता है इसको भी आज ही की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो देखेंगे जरा दूरदर्शी दोष क्या होता है, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को न तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की। ये ज्यादातर उम्र में आता है जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाती है, 60 65 70 एज की उम्र में दोनों रोग उनकी आंखों में हो जाते हैं। तो आप कहेंगे अब एक ऐसा चश्मा लगाएंगे जिसमें आधा उत्तल होगा आधा अवतल होगा, दूर का देखना है तो चश्मे के ऊपर वाले हिस्से से देखेंगे, पास का देखना है तो कुछ लोग आपने देखे होंगे कि चश्मे को नाक पर रखते हैं और जब अखबार को पढ़ते हैं क्योंकि वो नीचे वाले हिस्से से देखते हैं लिखे हुए को है ना, क्योंकि ऊपर अलग लेंस होता है नीचे अलग होता है, ठीक है, ऊपर अवतल होता है नीचे उत्तल होता है। कारण क्या होता है, आंख का ये दोष व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उत्पन्न होता है, मनुष्य की आयु के साथ साथ पक्षामी पेशियां दुर्बल हो जाती हैं, नेत्र लेंस का लचीलापन घट जाता है, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ हो जाते हैं। निवारण के लिए एक ऐसा चश्मा यूज करते हैं जो दुई फोकस लेंस हो, इसमें दोनों लेंस जुड़े हुए हो, ऊपर का हिस्सा अवतल और नीचे का उत्तल हो जाता है। उसके बाद आ जाता है अवलोकनता क्या होता है दोस्तों, देखें जरा अवलोकनता की अगर मैं बात करूं तो वह मानव नेत्र जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में एक साथ फोकसित नहीं कर सकता, अवलोकनता के दोष से ग्रसित माना जाता है। कारण क्या हो जाता है, जब नेत्र लेंस पूर्णतः गोल नहीं होता है अर्थात उसकी क्षैतिज ऊर्ध्वाधर तली में वक्रता त्रिज्या भिन्न भिन्न नेत्र लेंस का आकार बदल जाए है ना, तब यह दोष उत्पन्न होता है। निवारण के लिए दूर करने के लिए बेलनाकार लेंसों का सिलेंड्रिकल लेंस उसके अंदर डाले जाते हैं, क्लियर बात समझ में, और सिलेंड्रिकल लेंस ही क्या करते हैं उसको करेक्ट कर देते हैं, आकार को सही कर देते हैं, क्लियर है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों फिर ये चारों दोष आपको आज की क्लास में समझ में आ गए होंगे, और आज की मानव नेत्र की क्लास में से याद रखना 2 से 3 नंबर का आपके एग्जाम्स में लगना ही लगना है, और भगवान भोलेनाथ की पर कृपा रही तो ज्यादा मार्क्स का भी यहां से लग सकता है। इसके एमसीक्यूज सीरीज जो चल रही है वो बीच में किसी वजह से रुक गई थी, अब दोबारा उसको रीस्टार्ट हम करने वाले 1-2 दिन में, तो आप रेगुलर उस एमसीक्यू बाहुबली सीरीज को दोस्तों कलेक्ट करेंगे वहीं से, ठीक। तब तक के लिए अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और कोहरे में ठंड के मजे लेते रहिए, और अपनी पढ़ाई से कोई भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत कीजिएगा, समय आ चुका है, मात्र 30 से 40 दिन बचे हुए हैं, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।